हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए हमने ले लिया है 400 ग्राम गाजर। गाजर को अच्छे से हमने धो लिया है। अभी हम इसको अच्छे से एक घस लेते हैं कद्दूकस में। और हाँ दोस्तों, सर्दियों के मौसम में गाजर अच्छी अच्छी आती है, हलवा भी इसका बहुत अच्छा बनता है। और इसको घस के हम अच्छे से पहले रख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, इसको घस के भी बना सकते हैं और कुकर में इसको छोटा छोटा काट के बॉयल कर सकते हैं, तभी भी अच्छे से बन सक जाता है। और अभी हम घस लिए हैं पूरा गाजर, फिर रखते हैं गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी को अच्छी तरह से हम गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको गाजर को उसमें घिसा हुआ गाजर डाल देंगे। अभी इसको कम से कम 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से हम इसको भूनेंगे। और जितना हम दोस्तों इसको भूनते हैं ना अच्छे से, उतना इसका पानी अच्छे से वो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसके लिए हमारा हलवा अच्छे से मीठापन आता है। इसके लिए हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। देखो अभी इसको हम भूनते भूनते देखो कैसे इसमें नरमपन आ गया है। और इसको हम भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें फिर डाल देंगे कम से कम 300 ग्राम तक शक्कर। जैसे अपना गाजर का मतलब वो जितनी गाजर हो उतना ही हम शक्कर डालेंगे, क्योंकि आज सर्दी के मौसम का गाजर अच्छे से मीठा होता है, उसमें पानी भी बहुत होता है और बहुत नरम भी होता है। अभी हम शक्कर डाल के इसको 2 से 3 मिनट ढक के पका देंगे ताकि हमारा शक्कर अच्छे से इसमें मिल जाए। देखो बाजू बाजू में इसमें अच्छे से शक्कर मिल के थोड़ा थोड़ा से पानी छोड़ दिया है। तो अभी इसको हम 2 से 3 मिनट वापस चलाएंगे ताकि हमारा शक्कर भी इसमें अच्छे से मिल जाए। अभी उसके बाद हम इसमें दोस्तों डाल देंगे कम से कम 300 ग्राम तक दूध। दूध को हम पहले बॉयल करके रख लिया था दोस्तों, और कटोरी से ही माप के डाल रहे हैं ताकि दो कटोरी मतलब एक कटोरी शक्कर थी, दो कटोरी दूध डालेंगे तो अच्छा सा हमारा हलवा बन के रेडी होएगा। अभी उतना ही दूध डालें कि पहले से हमने इसको भून के रख लिया था, इसके लिए ज़्यादा इसमें वो नहीं लगेगा टाइम। और फिर इसको हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट ढक देंगे, उसके बाद धीमी आंच पे पकने देंगे। देखो दोस्तों अभी थोड़ा थोड़ा दूध भी इसमें कम होते जा रहा है। और हाँ, गाजर को इतना भून दो पहले घी में कि ताकि उसका जितना पानी पड़े सूख जाए, नहीं तो बाद में कच कच होता है, मज़ा नहीं आता दोस्तों खाने में। अभी देखो अभी इतना हो गया, हो चुका है। 2 से 3 मिनट हम इसको गैस को फास करके भून देते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है गाजर का। और दोस्तों हेल्दी भी बहुत होता है, और एक दिन बनाओ तो कम से कम 3 से 4 दिन चलता है। आप गर्म करके खा सकते हैं फ्रिज में रख के। हम ऊपर से डाल दे रहे हैं इसमें कटा हुआ बादाम। बादाम डालने के बाद हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं दोस्तों। और हमारा गाजर का हलवा आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ नई सी रेसिपी लेके, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।